हेलो फ्रेंड्स, आई एम स्वाति सिंह। हमारी ये वाली जो वीडियोस चल रही हैं सारी वो थ्योरीज़ के ऊपर चल रही हैं। जितनी भी एजुकेशन से रिलेटेड थ्योरीज़ हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं। पुरानी वीडियोस आप चेक कर सकते हैं, उसके अंदर मैं बहुत सारी वीडियोस मतलब थ्योरीज़ आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस इनसे बनते हैं। और आपको पता ही है एग्ज़ाम टफ लेवल का रखा जाता है आजकल, तो डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे नहीं भी पूछते हैं, लेकिन मैंने फिर भी जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा आपसे डिस्कस करने के लिए ट्राई किया है कि किस टाइप के क्वेश्चन आपसे इनडायरेक्ट वे में या डायरेक्ट वे में पूछ सकते हैं। डायरेक्ट वे में तो सीधे सीधे क्वेश्चन बनते कि ये वाली थ्योरी किसने दी है, कितने स्टेप्स रखे हैं और कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। लेकिन इनडायरेक्ट वे में आपसे क्वेश्चंस को ऐसे मॉडिफाई करके पूछ सकते हैं कि कॉन्सेप्ट लर्निंग गेगने अकॉर्डिंग टू गेगने क्या हो सकता है, या थ्रॉनडाइक ने जो अपने 3 लॉज दिए थे उसमें सेकंड लॉज का क्या मतलब है, या उसके थ्रू आप लर्निंग कैसे करवा सकते हैं क्लासरूम टीचिंग में। तो वो सारी चीज़ें मैंने आपके साथ वीडियोज़ में डिस्कस करी हैं। आप प्रीवियस वीडियोज़ सारी थ्योरीज़ पर जो डिपेंड है वो चेक कर सकते हैं। आज की जो हमारी वीडियो है स्टार्ट करते हैं, वो है टॉलमैन थ्योरी। ठीक है, टॉलमैन एक हमारे साइकोलॉजिस्ट थे, तो उन्होंने अपनी एक थ्योरी दी थी, इसको टॉलमैन थ्योरी ही बोलते हैं। और इसका एक और नाम है, वो है साइन, यानी कि चेन साइन गेस्टॉल्ट थ्योरी। ठीक है, इसके दो नाम हैं। फर्स्ट नाम तो यही है कि टॉलमैन थ्योरी ऑफ साइन लर्निंग, एंड सेकेंड है साइन गेस्टॉल्ट थ्योरी। ठीक है, दोनों इसी के नाम हैं। तो इन्होंने जो टॉलमैन ने अपनी लर्निंग दी थी उसका जो मेन इन्होंने मोटिव रखा था वो इन्होंने साइन के ऊपर ज़्यादा फोकस किया था कि बच्चे ज़्यादातर जो अपना सीखते हैं वो संकेतों के माध्यम से, चिन्हों के माध्यम से और साइन के माध्यम से सीखते हैं। तो इन्होंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, इसको इन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। 2 पार्ट्स में इन्होंने फर्स्ट जो इसके अंदर रखा था वो था साइन लर्निंग, लेटेंट लर्निंग। ठीक है, साइन लर्निंग होता है यानी कि चिन्ह के माध्यम से अधिगम, और लेटेंट लर्निंग होता है यानी कि गुप्त अधिगम। ठीक है, और इसमें मैं लिख देती हूँ आपके लिए, ये तो हो गया चिन्ह अधिगम और इसका मतलब हो गया गुप्त। गुप्त अधिगम, ठीक है। अब इसके अंदर इन्होंने क्या कहा था कि जो फर्स्ट है हमारा साइन लर्निंग वो क्या है, जो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया साइन गेस्टॉल्ट थ्योरी की यानी कि टॉलमैन थ्योरी को, उसके अंदर फर्स्ट जो रखा है कि साइन लर्निंग, बच्चा कभी भी कुछ भी सीखता है वो साइन के माध्यम से सीखता है, वो हमारे सामने प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, वो किसी ना किसी के थ्रू हमें दिखाए जाते हैं, समझाए जाते हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि आप कहीं पर जा रहे हैं, रास्ता कवर कर रहे हैं, तो आपने हमेशा देखा होगा कि जब आप कहीं पर जा रहे हैं, ये रास्ता है आपका, तो यहाँ पर इस तरह के बोर्ड पे, यहाँ पे ऐसे बोर्ड बने होते हैं कि यहाँ पे राइट लीजिए यहाँ पे जाने के लिए, यहाँ पे इस चीज़ के लिए आपको लेफ़्ट लेना है कि छतरपुर जाने के लिए, फिर थोड़े दूर और आगे जाएंगे तो यहाँ पे कोई और साइन होगा, यहाँ पे कोई और साइन होगा। तो ऐसे क्या है कि बच्चा अपनी कोई भी लर्निंग करता है तो वो साइन के माध्यम से करता है। अब अगर आप छोटे बच्चों में क्या होता है, जब स्टार्टिंग में वो लर्निंग करना स्टार्ट करता है, मतलब उसके अंदर भाषा विकास नहीं होता, बोलने के लिए कुछ बचा नहीं होता, उसके पास शब्द नहीं होते अपनी बात कहने के लिए, तब भी वो क्या करता है, अपनी साइन लर्निंग के थ्रू अपनी बात को प्रेजेंट करता है, दूसरों की बात को सीखता है। उसको दूध चाहिए, भूख लगी है तो वो रोने लगता है, डर लगता है तो सहम जाता है, ये सारी चीज़ें, और हाथ पैर इधर उधर मारता है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं साइन लर्निंग के माध्यम से वो करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक छोटा सा एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि अगर बच्चे को साइन लर्निंग के थ्रू कोई चीज़ सिखानी है, कोई सीख करवानी है, अगर बच्चे को बेड पे चढ़ना आता है और बच्चे को पता है कि मैं बेड पे चढ़ने से गिर जाऊँगा तो मुझे वो चीज़ नहीं करनी, ठीक है,
तो बच्चे को ये चीज़ पता है कि मैं पहले बेड पे चढ़ा था तो गिर गया था, मुझे ये चीज़ नहीं करनी. तो जो आपकी साइन लर्निंग है ना, वो कितनी पॉजिटिव और नेगेटिव है वो भी आप पे डिपेंड करता है. जितनी पॉजिटिव वे में होगी उतना आप बेस्ट सीखेंगे, उतना आप अच्छा सीखेंगे. लेकिन अगर जितना नेगेटिव में होगा तो आप उससे चीज़ से उतना दूर भागने लगेंगे. ठीक है, फर्स्ट हो गया आपका साइन लर्निंग कि आप कोई भी संकेतों के माध्यम से सीखते हैं. सेकंड होता है आपका लेटेंट लर्निंग यानी कि गुप्त अधिगम. गुप्त अधिगम में आपके सामने कोई भी चीज़ प्रेजेंट नहीं होती, लेकिन आप किसी ना किसी के माध्यम से ऐसे तरीक़ों से सीख जाते हैं, ऐसी लर्निंग कर लेते हैं ऑटोमेटिकली कि बाद में आपको वो लर्न हो जाती है, बाद में आपको रिकॉल करने में ईजी हो जाता है, बाद में आपके लिए एक वो पॉजिटिव लर्निंग में कन्वर्ट हो जाती है. जैसे मान लीजिए भूल भुलैया आप लोगों ने सभी ने देखी होगी, जो एक इस टाइप से भूल भुलैया बनाई होती है. ठीक है, उसका कहीं एक जगह रास्ता दिया होता है. ठीक है, तो उसमें इधर रास्ता होता है, मान लीजिए ऐसे घुमा दी जाती है, ऐसे घुमा दी जाती है, ये सारी चीज़ें. आप जो पज़ल खेलते हैं आपने उसमें भी देखा होगा, कहीं पर रास्ता नहीं होता बट एक रास्ता होता है उसमें जहाँ से आप बाहर निकल सकते हैं. ठीक है, तो ये जो भूल भुलैया होती है वहाँ पर कोई साइन नहीं होता, कुछ भी नहीं होता. बच्चा क्या है, उस भूल भुलैया से खुद अपने ही माध्यम से सीखता है, एक गुप्त माध्यम से सीखता है. वो क्या करता है, सारे रास्तों को खोजता है. कभी इस रास्ते में घुस गया, यहाँ से बंद है, वापस आया इधर घुस गया, यहाँ से भी बंद है, वापस आया उधर घुस गया, वहाँ से भी बंद है. लास्ट में जाके उसको एट लास्ट ऐसा रास्ता मिल जाता है कि वो इस भूल भुलैया से क्या है, बाहर निकल जाता है. ठीक है, तो उसके सामने ना तो कोई साइन थे, ना कोई मार्क थे, ना कुछ ऐसी पहले उसे नॉलेज दी गई थी कि आपको इस भूल भुलैया में घुसने के बाद इस रास्ते से बाहर निकलना है. ठीक है, तो वहाँ पे बच्चे ने क्या किया, खुद डिस्कवर करके, खुद अपनी ऐसी लर्निंग करके कि वो खुद किसी ना किसी माध्यम से बाहर का रास्ता खोज लेता है और बाहर निकल आता है. तो वो उसकी कैसी लेटेंट लर्निंग हुई, यानी कि गुप्त अधिगम हुआ उसके लिए कि उसने गुप्त तरीके से वो चीज़ लर्न करी. तो जब सेकेंड टाइम आप उसको भूल भुलैया में डालोगे ना, तो वो बिना किसी प्रैक्टिस के या बिना किसी ट्रायल के वापस से उस भूल भुलैया का रास्ता अपने आप ही खोज लेगा एक ही बार में. पहले उसको खोजने में टाइम लगा, क्या पता 10-15 मिनट लग सकते थे, कई बार ट्रायल करने के बाद उसने वो रास्ता मिला. लेकिन जब आप उसको सेकेंड टाइम डालेंगे ना, तो उसको पता होगा कि ये वाला रास्ता कहाँ से था. उसके माइंड में खुद इतने निशान बन जाते हैं कि ये वाला रास्ता यहीं से जाएगा. जैसे आप कहीं पर अननोन प्लेसेस पर भी जाते हैं तो आप क्या करते हैं, रोड मैप का यूज़ करते हैं, गूगल सर्च करते हैं, और जो आपके बोर्ड्स और साइंस का यूज़ करते हुए आप उस अननोन प्लेसेस पे पहुंचते हैं कि यहाँ पे जाने के लिए लेफ्ट लेना है आपको, राइट लेना है, या फ्लाईओवर चढ़ना है, ये सारी चीज़ें. लेकिन जब आप वहाँ वापस अपने घर वापस आते हैं तो आप उन साइंस का यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि जब फर्स्टली आपने उन साइंस का यूज़ किया था तो आपने वहाँ से उन साइंस के थ्रू वो लर्निंग कर ली थी कि आपको अपने घर से उस रास्ते तक का ट्रैवलिंग कैसे करना है, कब आपको राइट लेना है, कब लेफ्ट लेना है, कब आपको फ्लाईओवर का चढ़ना है, उतरना है, ये सारी चीज़ें क्या थी, आपने वन बाय वन स्टेप के थ्रू सीखते हुए एक लर्निंग कर ली थी. तो जब आप वापस अपने घर आएंगे ना, तो आप उन साइंस को देखते हुए ही नहीं आएंगे, देन आप उसको बिल्कुल इग्नोर कर देंगे और वापस आप बहुत जल्दी और अपने घर पे अराइव कर जाएंगे. तो वो सारी चीज़ें क्या होती हैं कि एक साइन के माध्यम से सीखना, लेकिन सेकेंड स्टेप में क्या किया, आपने उन सारी चीज़ों को लेटेंट कर दिया, मतलब कहीं पर छुपा दिया, एक गुप्त तरीके से आप वापस से उस भूल भुलैया से वापस निकल के बाहर आ जाते हैं. ठीक है, उसके बाद आता है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ टॉलमैन थ्योरी ऑफ लर्निंग. ठीक है, टॉलमैन ने क्या है, एक स्ट्रक्चर दिया था जिसके 6 स्टेप दिए थे इन्होंने. मैंने यहाँ पे आपके लिए लिख दिए हैं हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, ताकि आपको अच्छे से पता हो, आप नोट भी कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है. आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते हैं कि कैथेक्स का मीनिंग क्या है, फील्ड कॉम्बिनेशन से आप क्या समझते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. ठीक है, डिस्कस करते हैं. फर्स्ट हमारा है कैथेक्स. कैथेक्स के अंदर क्या चीज़ रखी गई थी हमारे टॉलमैन के थ्रू, जो लर्निंग के ये 6 स्टेप्स दिए गए थे लर्निंग के, कि 6 तरीक़ों से आप लर्निंग करना सीख सकते हैं, या बच्चे को 6 तरीक़ों से आप लर्निंग कराना सिखा सकते हैं. ठीक है, तो उसमें फर्स्ट जो है हमारा कैथेक्स है. कैथेक्स के अंदर बोला गया था कि
जो ड्राइव होता है, ड्राइव प्लस गोल, ड्राइव प्लस गोल के बीच की जो सिचुएशन होती है ना, वो पॉजिटिव यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक तथा धनात्मक दोनों होती है, ठीक है। तो जो ड्राइव से लेके गोल तक का जो रास्ता होता है अचीव करने का, उसको हम कैथेक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको प्यास लगी है तो ड्राइव किसका है कि मुझे प्यास लगी है तो मैं ड्राइव हूँ, लेकिन मेरा गोल क्या है, मेरा गोल है पानी, कि मुझे पानी मिल जाएगा तो मेरी प्यास बुझ जाएगी, ठीक है। तो ड्राइव और गोल यानी कि मेरे और पानी के बीच में क्या है, मैंने संबंध स्थापित किया कि प्यास किसे लगी है, मुझे लगी है, और मुझे क्या चीज़ मिल जाएगी, पानी। तो मेरी जो प्यास है या भूख है या जो कुछ भी आपकी नीड है वो शांत हो जाएगी। तो वो हो गया हमारा कैथेक्स। और अब वो आपका पॉजिटिव वे में हो रहा है या नेगेटिव वे में हो रहा है, वो भी आपका फ़र्क करता है। जैसे अगर मान लीजिए कि मुझे प्यास लगी है, गर्मी का टाइम है तो मुझे ठंडा ही पानी चाहिए, सर्दियों में मैं थोड़ा गुनगुना पानी ले सकती हूँ, लेकिन अगर गर्मी के टाइम पे मुझे फ्रिज का पानी नहीं मिला या ठंडा पानी नहीं मिला, और मैंने मुझे इतनी तेज़ प्यास लगी थी कि मेरा ड्राइव था कि गोल को अचीव करना, कि मुझे बहुत तेज़ प्यास लगी है और मैं पानी के पास गई, फटाफट उठा के मैंने गिलास से पानी पी लिया, लेकिन वो इतना गर्व था कि मेरे को नेगेटिव वहाँ पर रिस्पॉन्स मिला, तो जो मेरा सारा ड्राइव और गोल के बीच का रास्ता था ना, जो मेरा कैथेक्स था, वो क्या था, मेरा नेगेटिव चला गया कि मुझे मजा लास्ट में नहीं आया। लेकिन उसी टाइम पे अगर मुझे ठंडा पानी मिलता, चिल्ड पानी मिलता, कि मेरी प्यास बिल्कुल शांत हो जाती, तो वहां पे मुझे क्या था, एक पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा था, ठीक है। तो इसीलिए पॉजिटिव और नेगेटिव भी आपका वहाँ पे इफेक्ट करते हैं, किस चीज़ में, आपके ड्राइव और गोल के अंदर, कि आपका जो ड्राइव है आपको किसको क्या चीज़ चाहिए, और गोल जो आपको अचीव करना है, उन दोनों के बीच में जो आपको संबंध स्थापित करना है, जो आपको रिलेशन बनाना है ना, उसको हम कैथेक्स बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है इक्विवेलेंस ऑफ बेनिफिट्स यानी कि समतुल्य विश्वास। इसके अंदर जो आपका गोल होता है, इसके अंदर जो आपका गोल होता है प्लस जो सब गोल होते हैं वो आते हैं। मतलब आपको, मान लीजिए अभी आपका गोल है कि आपको KVS का एग्ज़ाम क्या है, बीट करना है, आपको जॉब चाहिए KVS की, ठीक है। तो KVS का जो एग्ज़ाम है या KVS की जो जॉब है, वो आपका क्या हो गया, वो आपका गोल हो गया। लेकिन आपके सब गोल्स क्या हो जाएंगे, सब गोल्स आपके हो जाएंगे कि उसके लिए आपको पहले एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा, देन इंटरव्यू क्लियर करना पड़ेगा, देन आपको जॉब मिलेगी। तो आपके एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो कि मैथ्स, रीजनिंग, साइंस, जनरल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, साइकोलॉजी, और आपको पेडागोजी बहुत अच्छे से आनी चाहिए। तो आप वो वन बाय वन अपने सब गोल्स को अचीव करेंगे कि आप उसमें पहले अच्छे से पूरी कमांड कर लेंगे, देन इंटरव्यू क्रैक करेंगे, देन आपको क्या होगा, KVS की जो जॉब होगी वो आपको एज अ टीचर मिल जाएगी, ठीक है। तो ये इसमें जो हमारे समतुल्य विश्वास था, इसके अंदर हमारे गोल्स प्लस सब गोल्स रखे जाते हैं कि आपको जो गोल अचीव करना है पहले आपको उसके लिए सब गोल्स अपने पूरे करने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है फील्ड एक्सपीरियंस यानी कि क्षेत्र प्रतीक्षाएं। तो इसके अंदर क्या चीज़ रखी जाती है कि बच्चे खुद अपने द्वारा कितना सीख सकते हैं, किस वे में सीख सकते हैं, कितना शॉर्टकट तरीके से सीख सकते हैं। अब आपको पता है कि आपको KVS के एग्ज़ाम के लिए यानी कि जो आपका गोल है कि KVS की जॉब आपको लेनी है, उसके लिए आपको पता है कि टाइम बहुत कम है, ठीक है। तो आपको प्री प्लान करना है पहले से कि आप इस कम टाइम में कैसे अच्छे तरीके से शॉर्टकट मेथड से तैयारी करें कि आपका वो टाइम भी प्रॉपर हो जाए और आपकी तैयारी भी अच्छी हो जाए और आपको रिवीजन का टाइम मिल जाए। जैसे मैथ्स में है, मैथ्स में, रीजनिंग में, अगर हम फॉर्मूले पुट करके पूरा लॉन्ग प्रोसेस जो हमें फर्स्ट टू ट्वेल्थ तक सिखाया जाता है उससे सॉल्व करेंगे कोई भी सम, तो आप एग्ज़ाम में पूरे 2 घंटे के अंदर भी
आपका जो मैथ्स का पोर्शन है उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे. क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा. ठीक है, तो आप वहाँ पे क्या करेंगे, शॉर्ट ट्रिक मेथड अपनाएंगे जो आपका 2-3 सेकंड में ही फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगा. और ऐसे ही आप साइकोलॉजी पढ़ेंगे या पेडागोजी पढ़ेंगे तो उनको शॉर्टकट ट्रिक से या एक दूसरे से रिलेट करते हुए या कोई ना कोई ट्रिक्स अपनाते हुए लर्न करेंगे ताकि वो आपके माइंड में परमानेंट हो जाए, आपको रिविज़न की भी ज़रूरत ना मिले क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है. तो इसीलिए थर्ड पॉइंट में जो आपका फील्ड एक्सपेक्टेशंस होती हैं इसके अंदर आप शॉर्टकट मेथड सर्च करते हैं, शॉर्टकट वे सर्च करते हैं जो आपको बेस्ट लर्निंग के लिए हेल्पफुल होता है. ठीक है, उसके बाद आता है फील्ड कॉग्निशन मोड्स यानी कि क्षेत्र ज्ञान विधियां. इसके अंदर आपको आपकी जो आंतरिक योग्यता होती है ना, जो आपकी इंटरनल आपकी एबिलिटीज होती है उनको सर्च किया जाता है. ठीक है, जो आपका फील्ड कॉग्निशन मोड्स है यानी कि क्षेत्र ज्ञान विधियां हैं, इसके अंदर जो आप पहले सीख चुके हैं या जो आपकी आंतरिक विधियां हैं, जो आपका अंदर मन के अंदर आपके मेथड्स हैं, मोड्स हैं, इंटरनल आपके एक्सपीरियंसेस हैं, आप क्या पता किसी चीज़ को बहुत पहले सीख चुके हो. जैसे अब आप KVS के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो जब आपने CTET के लिए भी अप्लाई किया होगा, CTET क्वालिफाई किया होगा, तो आपने यही सारी चीज़ें वहाँ पर पढ़ी होंगी. वहाँ पर भी आपने साइकोलॉजी पढ़ी होगी, पेडागोजी पढ़ी होगी, मैथ्स, रीजनिंग, ये सारी चीज़ें पढ़ी होंगी. तो आपको वो जो अपने इंटरनल एक्सपीरियंसेस है ना, पुराने एक्सपीरियंस है, अर्लियर एक्सपीरियंसेस है, वो यहाँ पे अब आपको यूज़फुल होंगे कि आपने CTET के टाइम पे ही वो सारी चीज़ें पढ़ेंगी. तो अब आपको इन सारी चीज़ों को टाइम देने में ज़्यादा टाइम खर्च नहीं करना पड़ेगा, एज अ रिविज़न के तौर पर आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी जिससे आप अपना गोल अचीव कर सकते हो. ठीक है, फील्ड कॉग्निशन मोड भी आपको समझ आ गया होगा कि क्षेत्र ज्ञान विधियों के अंदर आपकी इंटरनल एबिलिटीज़ को देखा जाता है, जो आपकी आंतरिक योग्यताएं होती हैं उनको देखा जाता है कि आप किन चीज़ों को पहले सीख चुके हो, उसको नए तरीके से सीखने के लिए आप कैसे अप्लाई करते हो, कैसे करते हो. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आप CTET के लिए पेडागोजी साइकोलॉजी पहले भी पढ़ चुके हैं, ये सारी सब चीज़ पढ़ चुके हैं, तो वो आपकी प्रीवियस नॉलेज को आप न्यू तरीके से कैसे डेवलप करते हो KVS के लिए, वो आपकी एबिलिटीज़ के ऊपर है. ठीक है, उसके बाद आता है चालक विभेदात्मक यानी कि ड्राइव डिस्क्रिमिनेशन. अब आपको मैंने बहुत बार अब तक की सारी वीडियोस में ये पॉइंट हमारा आया है कि आपको विभेदीकरण करना आना चाहिए, दो चीज़ों को पार्ट में डिवाइड करना आना चाहिए यानी कि डिफरेंशिएट करना आना चाहिए. यानी कि डिफरेंशिएट करना आना चाहिए आपको, टू पार्ट्स में डिवाइड करना आना चाहिए, ये चीज़ क्या है, ये चीज़ क्या नहीं है. जैसे आपने अभी CTET क्वालिफाइड के लिए तो ठीक है, जैसे आपने अभी DSSB के लिए एग्ज़ाम जो अभी रिसेंट हुए हैं 7 और 13 को, उसके लिए प्रिपेयर किया होगा तो वो उसका सिलेबस थोड़ा अलग था और KVS का सिलेबस हमारा थोड़ा अलग है. तो आपको DSSB का सिलेबस और KVS का सिलेबस दोनों को डिफरेंशिएट करना आना चाहिए कि हाँ, DSSB के लिए मैंने थोड़ा अलग पढ़ा था और KVS के लिए मुझे थोड़ा अलग पढ़ना है. अगर आपको वो डिफरेंशिएट करना नहीं आएगा और आप सेम वे में कि दोनों में टीचर ही तो बनना है और दोनों में सेम जॉब ही लेनी है, टीचर की, PRT की, TGT की, PGT की, तो सेम चीज़ को मैं पढ़ती रहती हूँ, तो आप KVS को बीट नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसका सिलेबस ही अलग है और DSSB का हमारा सिलेबस अलग है. तो आपको इस स्टेप में यानी कि जो ड्राइव डिस्क्रिमिनेशंस है उसके अंदर आपको विभेदीकरण करना आना चाहिए, दो चीज़ों को डिस्क्रिप्शन करना आना चाहिए, डिफरेंशिएट करना आना चाहिए कि कौन सी चीज़ के लिए आपको कब क्या अप्लाई करना है, कौन सी चीज़ के लिए आपको क्या अप्लाई करना है. ठीक है, लास्ट आता है हमारा 6th, गामक प्रतिमान यानी कि मोटर पैटर्न. मोटर पैटर्न से जो हमारा रिलेशन है वो है आपका अप्लाई करने से. किससे है? अप्लाई.
मतलब मोटर पैटर्न यानी कि आपकी मोटर स्किल्स यानी कि गामक प्रतिक्रियाएं आपकी कितनी एक्टिव है, यानी कि आपके जो आर्म्स हैं, आपके लेग्स हैं, आपकी आईज हैं, ये सारी जो आपके मोटर स्किल्स हैं वो कितना एक्टिव है, वो कितना कार्य करते हैं उस टाइम पे, आपको वो चीज़ें, अगर आपको कोई चीज़ आती है, सीखी हुई है, आपको सीटेट आपने क्लियर किया था, आपको पेडागोजी पता है, साइकोलॉजी पता है, आपको मैथ्स पता है, रीजनिंग पता है, आपने सारी चीज़ें पढ़ ली है, लेकिन जब आप एग्ज़ाम टाइम में ऑन द स्पॉट होंगे, टाइम के एग्ज़ाम टाइम में अपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे होंगे, वहाँ पर तब आपकी स्किल्स कितनी काम करती है कि आपको फटाफट से वो चीज़ें रिकॉल होती है, नहीं होते कि ये चीज़ मैंने कहाँ पढ़ी थी, इसका आंसर ये है, या फिर यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला पुट होगा, इससे ये बेस्ट वे में निकल जाएगा क्वेश्चन, और वहाँ पर ये ना हो कि आपको थकान हो रही है, मेरी तो बैक पेन हो रही है, मुझे बैठने का मन नहीं कर रहा, आपकी मोटर स्किल्स यानी कि अप्लाई एबिलिटी वहाँ पर चेक की जाती है कि आपने जो सारी चीज़ें पहले पढ़ चुके हैं, जो आपके ड्राइव गोल्स थे, सब गोल्स थे, शॉर्टकट मेथड्स थे, आपकी इंटरनल एबिलिटीज़ थी, आपको डिफ्रेंशिएट करना आता है, ये सारी चीज़ें करनी आती हैं आपको, लेकिन अप्लाई करते टाइम अगर आप वो सारी चीज़ें लूज़ कर गए तो आप अपना KVS का जो एग्ज़ाम है वो बीट नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए ऑन द स्पॉट भी आपको इतना एक्टिव रहना है कि आपकी सारी मोटर स्किल्स काम करें, वहाँ पर आपको गामक प्रतिक्रियाएँ सारी आपकी काम करें कि आप वहाँ पर फटाफट क्वेश्चंस को देखते ही पहचान ले कि ये मैंने यहाँ पे पढ़ा था, इसका आंसर ये है, और फटाफट उसको 2 सेकंड में आप उसको सॉल्व कर सके, ठीक है। तो ये 6 स्टेप मैंने बहुत अच्छे से आई होप आपको समझा दिए होंगे और आपको समझ आ गए होंगे। मैंने जानबूझ के आपको एक ऐसा एग्जांपल दिया है जो आप अभी लाइव कर रहे हैं, क्योंकि आप KVS के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो इसीलिए मैंने ये वाला एग्जांपल रखा, क्योंकि आपको बहुत अच्छे तरीके से उससे समझ आ जाएगा। अगर इन केस फिर भी आपको समझ ना आए तो आप कमेंट सेशन के थ्रू मुझे बता सकते हैं कि मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई, या जो भी आपको पॉइंट समझ नहीं आया, तो आई विल ट्राई टू नेक्स्ट टाइम कि मैं बहुत अच्छे वे में आपको समझा सकूँ या कमेंट सेशन में समझा सकूँ, तो आप मुझसे कमेंट सेशन के थ्रू पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अभी फटाफट इसको रिवाइज कर लेते हैं। टॉलमैन की थ्योरी है, इसका सेकेंड नाम है साइन गेस्टल थ्योरी, ठीक है, और इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, एक साइन जो साइन लर्निंग थ्योरी थी और आपकी लेटेंट थ्योरी थी, यानी कि साइन के माध्यम से हम सीखते हैं और गुप्त माध्यम से हम सीखते हैं, ठीक है। फिर इसको सीखने के 6 स्टेप्स दिए गए थे, एक स्ट्रक्चर बनाया गया था टॉलमैन की थ्योरी के अकॉर्डिंग, जिसमें फर्स्ट था कैथेक्स। कैथेक्स क्या होता है, जो हमारा ड्राइव और गोल होता है उसके बीच में आपको रिलेशन बनाना है कि आपका ड्राइव कौन है, किसको ज़रूरत है और क्या चीज़ की ज़रूरत है। अगर आप संबंध नहीं बना पाएंगे तो आप गोल अचीव नहीं कर पाएंगे, उसको कैथेक्स बोलते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कैथेक्स, ठीक है। सेकेंड आपका है समतुल्य विश्वास, इसमें क्या आता है, जो आपके गोल्स और सब गोल्स हैं उनको डिस्क्राइब करना आपको आना चाहिए कि आपका गोल क्या है, सब गोल्स क्या हैं, उनको पहले अचीव करना है, देन आपको गोल अचीव होगा। उसके बाद है आपके क्षेत्र प्रत्यक्ष है, यानी कि इसके अंदर आपको शॉर्टकट वेज और मेथड्स यूज़ करने हैं, जिसके अंदर आपको प्रॉपर कम टाइम लगेगा और एक आप प्रॉपर वे में आप सीख पाएंगे। उसके बाद है फील्ड रिकॉग्निशन, यानी कि क्षेत्र ज्ञान विधियाँ, इसके अंदर आपकी इंटरनल एबिलिटीज़ चेक करी जाती है, जो आप प्रीवियस पहले सीख चुके हैं उनको कहाँ पे कब अप्लाई करना है, कब नहीं करना है, कितना पॉजिटिव नेगेटिव वो आपको रिस्पॉन्स कर रहा है। उसके बाद आता है ड्राइव डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि डिफ्रेंशिएट करना, आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ क्या है क्या नहीं है, आपके लिए वो कब यूज़फुल है क्या नहीं है। अगर आप अभी KVS के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको क्या प्रिपेयर करना है, ये नहीं कि IAS का पढ़कर चले जाएं KVS में, राइट। आपको IAS और KVS के दोनों सिलेबस में फ़र्क पता होना चाहिए, DSS भी KVS में फ़र्क पता होना चाहिए, तभी आप वहाँ पर अपना गोल अचीव कर सकते हैं। और फिर लास्ट आता है हमारा मोटर पैटर्न, यानी कि अप्लाई करना, लास्ट में आप उस टाइम पर कितना एक्टिव रहते हैं, आपके मोटर स्किल्स कितना काम करते हैं, आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट कितना हो चुका था, उसको किस तरह से आप अप्लाई करते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी लास्ट में देखी जाएगी, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।